क्या नाम है आपका और आपने क्या किया है? मेरा नाम तनु रानी सैनी और BLLB की सेकंड ईयर में मैं पढ़ती हूँ और DS कॉलेज की छात्रा हूँ। क्या किया था? आज हम लोगों ने पोस्ट कार्ड जो उस दिन मामला हुआ था भद्रता वाला, उसके लिए हमने DS कॉलेज, वांसनी कॉलेज और TR कॉलेज की छात्र छात्राओं से पोस्ट कार्ड लिखवाए हैं और उन्होंने समर्थन करते हुए करीब 2000 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड लिखे हैं। पोस्ट कार्ड का क्या अंकित किया आपने जो और किसके लिए लिखे हैं? पोस्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी के लिए लिखे गए हैं और उसमें अंकित ये किया गया है कि जो उस दिन घटना हुई थी, सपा के छात्र नेता क्लास में घुस गए थे और वहाँ पे काफ़ी उधम मचाया। हाफ पेंट में भी लड़के थे, बेंचें बजाई गई, लड़कियों को सीटियाँ भी मारी गई और वहाँ पे तीनों छात्र नेता रंजीत चौधरी, मुंतजित किदवई और जो वैसे तो नाम से नहीं जानती है। नाम से एक को नाम से नहीं जानती। किस तरह की उसमें ये लिखा गया था कि छात्राओं के साथ अभद्रता की गई थी और इसके लिए हमने 2-3 जगह ज्ञापन दिया है, कॉलेज को दिया है और पुलिस प्रशासन को भी ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन के रूप में ये 2000 से ज्यादा पोस्ट कार्ड हम मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी को भेज रहे हैं। तो जिस तरह छात्रा होकर और यूनिवर्सिटी में कॉलेज के अंदर जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसी वजह से लिखा है क्या? हाँ, कॉलेज में बहुत, जब क्लास में रस्ते में तो दूर की बात होती है, कॉलेज अपने घर जैसा होता है, और लेकिन कॉलेज में भी अचानक से सुबह 9:30 बजे करीब वो अचानक से लोग घुस आए और इतना भयानक माहौल था कि हम लोग वहाँ पर टिक नहीं पाए, कि इतना देख के उन लोगों को डर गए और भगदड़ सी मच गई हमारी क्लास में। असुरक्षित महसूस कर रही हैं क्या कॉलेज के अंदर? हाँ, सुरक्षित ही है। जब क्लास में कभी भी कहीं भी कोई भी हादसा हो जाता है, कहीं भी बदतमीजी हो जाती है, असुरक्षित ही महसूस कर रहे हैं। आप जो ये जो कौन है स्टूडेंट कौन है? ये लोग स्टूडेंट भी हैं और कॉलेज और छात्र नेता भी हैं। LLB की फाइनल के स्टूडेंट हैं हमारे कॉलेज के भी ऐसे घुसा के जैसे बदतमीजी कर जाते हैं? नहीं, आदर कॉलेज का तो पूरा कंफर्म नहीं है, पर उस दिन जो थे उन लोगों के साथ थे। अब सबके चेहरे तो याद नहीं है, हो सकता है कि बाहर के बाहरी तत्व भी हों। तो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें और जल्द से जल्द इन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित करें। तो